नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं थोड़ा सा टीचिंग से हट के जो एक मतलब अपने टीचिंग के ड्यूरेशन में जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैंने विलेज ट्रिप डे आउटिंग मेरे दो स्टूडेंट्स के साथ उसमें गया हूँ। तो मेरे दोनों स्टूडेंट्स का नाम है, एक है रुपेंद्र जो आप देख सकते हैं फ़ोटो में बीच में है और जिसकी गाड़ी में मैंने गया है, उन्होंने मुझे मतलब रुपेंद्र ने मुझे लेके गया अपने बाइक में। और दूसरा जो स्टूडेंट है केवल साहू, वो एक्चुअली उसी के गांव में हमने गया है, गांव का नाम है सलोनी विलेज। तो हमने एक बहुत अच्छा मोमेंट एंजॉय किया है। केवल ने हमको बहुत अच्छे से सब अपने पूरे खेत को दिखाया, अपने गाँव को दिखाया, अपने मतलब जो भी हम रहे हैं वो रोड साइड में ही है उनका घर, लेकिन उन्होंने जब खेत की तरफ हमको ले गया तो हमको एक पूरा विलेज का लुक मिला। तो जिससे मेरे जो भी टीचिंग से रिलेटेड स्ट्रेस थे मैं पूरा रिलैक्स हो गया, बहुत इन्जॉय भी किया। तो वही वीडियो मैं आपको क्लिप के माध्यम से थोड़ा शेयर कर रहा हूँ कि कैसे है, किस तरह से है। तो आप इसको डेफिनेटली देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लग रहा है इस तरीके के वीडियोस में, क्योंकि मैं टीचिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते बनाते थोड़ा ऐसे सोशल टाइप से वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको देख के थोड़ा रिलैक्स हो जाए और आपको भी अच्छा लगे कि कैसे काम करता है, मतलब आप लोग भी डे आउट कैसे कर सकते हो, मतलब संडे आप कैसे इन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग इन्जॉय करेंगे।
फाइनली हम घर की ओर जाते हुए रुपेंद्र के साथ एज़ यूजुअल जैसे मैंने गया है उसके पीछे बैठ के गाड़ी में उस तरह से हम वापस आ रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं केवल अपनी वाइफ के साथ पीछे आ रहे हैं। तो दोनों स्टूडेंट को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे गांव ले गया, दर्शन करवाए, और जो भी मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, जो भी काम करते हुए हमको थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस हो, वो भी मैं रिलैक्स कर लिया गाँव के मतलब ग्रीन जो खेत और खलिहान देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह से मैं अगर वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, अगर इस तरीके का वीडियोज़ अगर मैं डालता हूँ तो आप लोगों को कैसे लगता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।